नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज सागरपुर थाने के एसएचओ केबी झा का जन्मदिन लोगों ने यादगार बना दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई केबी झा को जन्मदिवस की बधाई देने पहुंचा। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। कृष्ण बल्लभ झा, वो नाम जिसे सुनकर अपराधी कांप जाते हैं, स्मैकियों का नशा उतर जाता है और ड्रग्स तस्करों के पसीने छूट जाते हैं। सागरपुर को जिस नए रास्ते पर केबी झा लेकर जा रहे हैं, उस रास्ते का मतलब है नशा मुक्त, सुरक्षित और अपराध मुक्त सागरपुर। आज केबी झा का जन्मदिवस मनाने के लिए सभी समुदाय के लोग पहुंचे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्यापारी और आम जनता ने झा साहब का जन्मदिन यादगार बना दिया। और मुझे बहुत फख्र के साथ गर्व महसूस होता है कहने में कि मैंने वो ख़त्म कर दिया। 100% मतलब 100% ख़त्म कर दिया। सच है या नहीं, आप पूछ सकते हैं पब्लिक से। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, इस चीज़ को लोगों ने एक्नॉलेज किया। और जन्मदिन का पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है, इतनी संख्या में सब लोग आए, महिलाएँ और ख़ास करके हमारे चारों धर्म के जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, इसको यहाँ चरितार्थ कर दिया है। एक तरफ जनता ने केबी झा को लड्डुओं से तोल डाला तो दूसरी ओर क्षेत्रवासी उन्हें दूध से नहलाना चाहते थे, लेकिन एसएचओ साहिब ने इस बात पर असहमति जताई और दूध को गरीब लोगों में बांटने की गुजारिश की। अपने समर्थकों को कुछ पैसे देकर कहा कि वो और दूध लाएं और गरीब बच्चों में बांट दें। ये दूध से नहलाने से क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल बात तो ये है कि दूध जिनको ज़रूरत है उनमें बांट दें। तो मैंने सजेस्ट किया कि उनको बांट दें, झुग्गियों में बांट दें, जो नीडी लोग हैं उन तक दूध पहुंचे तो कुछ फ़ायदा होगा, इसलिए वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट नहीं की। इस मौके पर तमाम सामाजिक संगठन, नेता और आम जनता अपने साथ केक लेकर थाने पहुंची। बीते वर्षों में सागरपुर थाना क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले हैं। जनता मानती है कि क्षेत्र में अपराध के मामलों में कमी आई है, नशे पर काफ़ी हद तक लगाम लगी है और कानून व्यवस्था में सुधार आया है। श्री कृष्ण बल्लभ झा का आज जन्मदिन था, इसके अवसर पर हम लोग शुभ कामनाएं के लिए आए हुए हैं और इनका समाजवाद इतना अच्छा है कि हर आदमी सुख शांति से रह रहा है। और ऐसे पहले मैंने कभी नहीं, बहुत दिनों से मैं रह रहा हूँ, करीब 40 साल से रह रहा हूँ, लेकिन जितना इनका अभी का व्यवहार, इनका जितना प्रेशर अच्छा है कि भाई सब सुख शांति से है। सबसे बड़ा योगदान केबी झा जी का है और सैल्यूट है इनके आते ही। हमारे यहाँ क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो। अच्छा। और जीरो के बाद हमारे साहब जो केबी झा जी, वो हीरो बन चुके हैं और आज आपने देख लिया होगा महासंग्राम। तो आज सुनने में आया लड्डू वड्डू से भी तोला आपने, दूध से नहलाने की? आज दूध से नहलाने की प्लानिंग थी जो कि केबी झा जी ने मना करके कहा कि भाई गरीब बच्चों में बांटो, और कुछ पैसे भी दिए उन्होंने। और हमारे जो लड्डू है वो 80 किलो थे, अभी लोगों ने भी खाए हैं, बिल्कुल ताज़े ताज़े थे। एसएचओ साहब कैसा काम? एक नंबर वन का काम पसंद जी, बिल्कुल पसंद है जी। आप कहाँ से आए सर? मैं जगदम्बा विहार से आया हूँ। क्या कहना चाहें, कौन से काम से प्रभावित हुए हैं कि इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोग पहुँचे? ये सरकार प्रभावित ही तो है, जो इतने युवा या जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, सभी समाज के आदमी एकजुट होकर थाना भर दिया उन्होंने सर के लिए, तो ये इससे ज़्यादा प्रभावित सर के लिए क्या होगा। जबकि ये सर जब से आए हैं, जब से लोगों के अंदर इतने उत्साह बढ़ी हुई है, एसएचओ पुलिस के लिए प्रति इतनी खुशी है कि भाई पुलिस को रिस्पेक्ट देने की बहुत ज़्यादा इच्छुक पब्लिक रहती है। इससे पहले सागरपुर में कोई ऐसा एसएचओ आया है या फिर आपको लगता है आने वाले टाइम पे आएगा? नहीं सर, ऐसे ऐसे सागरपुर में एसएचओ को तो हमने नहीं देखा, जिस तरह के केबी झा सर को देखा है हमने। और जब से केबी झा सर सागरपुर, जगदम्बा बिहार या शिवपुरी या पीएनटी ब्लॉक या पूरे सागरपुर का जब से ये दौरा करना इन्होंने शुरू करा, अभी तक किसी एसएचओ ने इस तरीके का दौरा नहीं करा। ये सारे काम से बहुत अच्छे करते हैं, अपनी ईमानदारी से करते हैं और इस क्षेत्र का सबसे अच्छा भाई यही भाई है। एसएचओ साहब को अगर हम जितनी भी शुभकामनाएं दें तो मेरे हिसाब से तो बहुत कम पड़ेंगी, क्योंकि इनके कार्यों से शुभकामनाएं कम पड़ जाएंगी। इन्होंने कार्य ज़्यादा किए, शुभकामनाएं मेरे हिसाब से तो कम है, क्योंकि जितना क्षेत्र में अमन चैन है आज इनकी बदौलत है। सागरपुर में देखिए गुंडागर्दी एज सच, वही जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो करते हैं, और ड्रग एडिक्ट्स को भी अब हमने ठाना है कि उनको एक एक करके बंद करेंगे।
बंद करेंगे तो उसमें सुधार होगा। इंडिया टाइम 24 न्यूज भी केबी झा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप सागरपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और लोगों का विश्वास जीतते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।